राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में बैंक कियोस्क के संचालक के साथ हथियारों के दम पर लाखों रुपए की डकैती की वारदात का खुलासा हो गया। करधनी थाना पुलिस ने डकैती करने वाली हरियाणा की गैंग का पर्दाफाश कर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जयपुर के करधनी इलाके में बीती 4 फरवरी को वैद्यजी के चौराहे के पास बैंक कियोस्क में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, तो इस गैंग में शामिल जयपुर का एक आदतन बदमाश देवेंद्र फिलहाल फरार है। पुलिस ने इन बदमाशों से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस के साथ एक मैगजीन भी बरामद की है। पुलिस गिरफ्त में आई ये गैंग हरियाणा की है और पुलिस की माने तो ये गैंग का जो सरगना है वो राजवीर है। राजवीर अपनी पत्नी की हत्या के बाद आजीवन कारावास से दंडित है, जो कि पैरोल से फरार चल रहा था। चारों अपराधी यहाँ आए जयपुर हरियाणा से, जब आके रहने यहाँ आने के बाद में इनका कोई पुराना संपर्क जो दातार सिंह है डीडवाना रहने वाला उससे कोई संपर्क था, और साथ ही उन्होंने देवेंद्र जो यहाँ का एक एचएस है इस देवेंद्र से भी संपर्क किया, जो ब्रह्मपुरी थाने का एचएस है वो अभी इसमें फरार है, उसको अभी गिरफ्तार करना शेष है। तो उन्होंने यहाँ फरारी काटी और स्वाभाविक रूप से उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसे स्थान को चुना जाए, निर्जन स्थान है जहाँ से फरार तुरंत घटना करके फरार हो सके, इसलिए उन्होंने स्थान को और भी कुछ स्थानों की रेकी करी उन्होंने, पर इस स्थान पर उन्होंने वारदात करी। इस घटना में टोटल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 5 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। 4 लोग जो हरियाणा के हैं, इनकी चारों की मुलाकात इसलिए है कि ये चारों एक ही जगह के रहने वाले हैं। इनमें से 3 तो मदीना गाँव के हैं और 1 पड़ोस के गाँव का है। राजवीर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था, वहाँ सुनालिया जेल है हिसार में, वहाँ से ये पैरोल से फरार है। पैरोल से फरार होने के बाद में इन्होंने एक बैंक डकैती की वहाँ पानीपत में, उसमें ये फरारी काटने के उद्देश्य से जगह तलाश रहे।